देश के लोकप्रिय प्रवचन का राष्ट्र संत ललित प्रभ जी का 5 दिसंबर को नागपुर स्थित रेशम बाग के सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय विशेष प्रवचन और सत्संग माला का आयोजन किया गया। ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। देश के लोकप्रिय प्रवचन का राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर महाराज एवं डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज 5 दिसंबर को नागपुर आएंगे। राष्ट्र संतों के रेशम बाग स्थित सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में 5 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक विशेष प्रवचन और विराट सत्संग माला का आयोजन होगा। संतगण इस सत्संग माला के जरिए नागपुर की आम जनता को जीवन जीने की कला सिखाएंगे, साथ ही जीवन निर्माण, व्यक्तित्व विकास और पारिवारिक प्रेम के बेहतरीन गुर देंगे। राष्ट्र संतों की सैकड़ों किताबों और टीवी चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध हजारों प्रवचनों के जरिए देश भर से लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। संतजन सकल जैन संघ के आग्रह पर सत्संग एवं प्रवचन माला कर रहे हैं। अब तक देश के 21 राज्यों में 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा करके राष्ट्र संतों ने हजारों परिवारों को स्वर्ग सरीखा बनाने और हजारों युवाओं में व्यसन मुक्त, शाकाहार और आत्मविश्वास से भरे हुए जीवन का बिगुल बजाया है। सर्व धर्म संभाव से जुड़े इन राष्ट्र संतों के प्रवचनों में 36 कौम की जनता उमड़ती है और ये हर विषय पर प्रवचन देते हैं। रायपुर के स्टेडियम में ऐतिहासिक चातुर्मास पूरा करके वे नागपुर आ रहे हैं। वाणी को ऐसे महोपाध्याय जो उनको उपाधि मिली है, ऐसे गुरुवर हमारे यहाँ पे पधारने वाले हैं। आने वाले 4 तारीख को शाम को नागपुर में उनका जो आगमन है, 4 तारीख आने वाले रविवार को शाम को उनका आगमन रहेगा। और प्रवचन माला जो रखी गई है वो तारीख 5, 6 और 7 सुरेश भट्ट सभागृह, जो हमारे यहाँ का एक विशाल सभागृह है, वहाँ पे सुबह 9 से 10:30 बजे तक वो अपने अमृत वाणी से पूरे जनसभा को पूरे जाहिर प्रवचन के रूप में संबोधित करेंगे और उनके जीवन परिवर्तन के ऊपर पूरा उनका फोकस रहेगा। गुरुदेव ने अभी तक काफ़ी किताबें भी लिखी हुई है और अलग अलग जगहों पे चातुर्मास जाहिर प्रवचन के रूप में जहाँ पे 5,000, 7,000, 10,000 की उपस्थिति रहती है, ऐसे ही पंडाल के अंदर उन्होंने अभी तक चातुर्मास किया हुआ है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।